हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बड़े होंगे। वेल दोस्तों, आजकल आपने ना सारस पक्षी के बारे में बहुत सुना होगा। सारस ऐसा पक्षी जो वाकई में सबसे अलग तरह का होता है। आजकल इस पक्षी को लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, क्योंकि सबका ये मानना है कि ये पक्षी किसी भी इंसान का अच्छा दोस्त बन सकता है। दोस्तों, आपने सारस और आरिफ के बीच की दोस्ती के बारे में जरूर सुना होगा। आज हम आपको इनकी दोस्ती के बारे में तो बताएंगे, साथ ही साथ आपको सारस पक्षी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पक्षियों की दुनिया आपने सुनी होगी, है ना, कि परिंदों का संसार बहुत सुंदर होता है। हर एक परिंदा किसी न किसी हॉबी के लिए जाना जाता है। धार्मिक और साइंटिफिक दोनों ही स्तर पर इनके महत्व और उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। आज हम आपको एक ऐसे ही पक्षी के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ परिंदों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए सुखद गृहस्थ जीवन और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। सारस पक्षी की इसी हॉबी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, वहीं वैज्ञानिकों ने भी इसे अद्भुत बताया है। सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक बड़ा गैर प्रवासी क्रेन है। सारस पक्षी एक खूबसूरत और बड़ा पक्षी है। ये पूरी दुनिया के तालाबों, नदियों, झीलों के पास पाया जाता है। ये पक्षी हमेशा जोड़ा बनाकर रहता है। एक बार जोड़ा टूटने पर यह कभी वापस जोड़ा नहीं बनाता। ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है और इसकी लंबाई 1.8 मीटर है। इसका पंख 2.4 मीटर और इसका वजन 8.4 किलो हो सकता है। ये खुले गीले मैदान में रहना पसंद करते हैं। साथ ही वे अपने साथ में ग्रे रंग और विपरीत लाल सिर और ऊपरी गर्दन की वजह से दूसरे क्रेन से अलग होते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस काफी चर्चा में है। सारस के साथ दोस्ती के बाद चर्चा में आया मेठी के आरिफ, लेकिन अब आरिफ सारस से बिछुड़ गए हैं और इस वजह से काफी परेशान है। आरिफ अपने दोस्त सारस से मिलना चाहते हैं, लेकिन सारस उनसे दूर है। हम आपको सारस की कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो आपको शायद ही पता हो। नंबर एक, भारत में सारस की आबादी सबसे ज्यादा है। वैसे तो भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सारस, लेकिन भारत में इसकी आबादी बहुत ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सारस की संख्या 15,000 से 20,000 के आसपास है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में पाए जाते हैं। ये अक्सर वेटलैंड्स यानी दलदली भूमि में पाए जाते हैं। इनका घोंसला छिछले पानी के पास हरी भरी झाड़ियों में और घास में पाया जाता है। सारस आमतौर पर 2 से 5 के ग्रुप में रहते हैं। नंबर दो, रामायण से संबंध। सारस का रामायण की कथा से भी संबंध माना जाता है। रामायण की कथा की शुरुआत सारस की एक जोड़े की कहानी से होती है। महर्षि वाल्मीकि कथा में इस प्यार के जोड़े को देख रहे हैं, तभी अचानक एक शिकारी तीर चलाकर एक सारस को अपना शिकार बना लेता है, जिसके बाद दूसरा सारस अपने साथी के बिछड़ने के दुख में अपने प्राण त्याग देता है। इस घटना के बाद महर्षि वाल्मीकि शिकारी को श्राप दे देते हैं। नंबर तीन, गोंड जनजाति सारस को पवित्र मानती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तराखंड और असम जैसे कुछ राज्यों में पाई जाने वाली गोंड जनजाति के लोग सारस को पवित्र मानते हैं। गोंड जनजाति सारस पक्षी को 5 देवताओं के उपासक के रूप में पूजते हैं। नंबर चार, प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सारस को प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। अपने जीवन काल में सारस जैसे एक बार अपना साथी बना लेते हैं, उसके साथ पूरा जीवन गुजारते हैं। भारत में इस पक्षी को दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई जगहों जैसे गुजरात में नवविवाहित जोड़ों के लिए सारस युगल का दर्शन करना एक जरूरी परंपरा मानी जाती है। नंबर पांच, पैर और चोंच एक साथ चलते हैं। सारस के बारे में एक खास बात यह है कि इस पक्षी के पैर और चोंच एक साथ लय में चलते हैं। सारस के पैर और चोंच एक साथ मिलकर चलते हैं। इसके अलावा अगर सारस 2 अंडे देती है तो पहले और दूसरे अंडे के बीच में 48 घंटे के अंदर होता है। प्रजनन के समय सारस के लाल पैर, सिर और गर्दन चमकीले हो जाते हैं। सारस ने हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपनी संतानों की देखभाल करते हुए, वास्तव में बड़े घोंसलों का निर्माण करते हुए, जीवन भर एक जोड़े के साथ रहते हुए एक सुंदर पक्षी ने मनुष्यों के साथ समानता को सुझाव दिया। सारस के मांस का स्वाद अच्छा नहीं था और पक्षी कभी भी बड़ी संख्या में नहीं पाए जाते थे, इसलिए पूर्वजों ने ऐसी सुंदरता का शिकार नहीं करना पसंद किया और उसकी प्रशंसा की। सारस के घोंसले स्लाव के लगभग पूरे ऐतिहासिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे ऊंचाई पर घोंसला बनाना पसंद करते हैं। समर्थन के रूप में मानव निवास का तिरस्कार नहीं करते और इसी तरह के जो किसी भी व्यक्ति के इतने करीब एक बस्ती से जुड़े होते हैं, उन्हें अच्छा और अनुग्रह लाने वाला माना जाता था। जब घर के पास एक सारस का घोंसला दिखाई दिया तो आनंदित होकर ये पक्षी सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर बस जाते हैं और वे इसे गुणा करने में सक्षम है। घरों में, छतों पर या आंगन में जहां भी ये पक्षी रहते हैं, वहां कोई झगड़ा और पारिवारिक समस्याएं नहीं होती।
एक युवा परिवार की छत पर एक सारस का बसना एक बच्चे की उपस्थिति की भविष्यवाणी करता है। देवदंती के अनुसार एक महिला जो गर्भवती नहीं हो सकती उसे घर में रात बितानी चाहिए जहां सारस छत पर रहता है जब तक कि उसके चूजे नहीं निकलते। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी प्रकार के बांझपन का इलाज हो जाता है। लेकिन जब सारस अचानक घोंसला छोड़ देता है तो उसका मतलब है घर में मुसीबत आएगी। ये आग के संकेतों की चिंता करता है। सारस उस जगह की ऊर्जा को महसूस करता है और विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो पक्षी निश्चित रूप से अपने निवास स्थान पर लौट आएगा। समस्या नहीं हुई, लेकिन पक्षी कभी नहीं लौटा। उन्होंने सारस को नाराज कर दिया या उसके क्रोध को भड़का दिया क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों का ध्यान नहीं दिया। ये पक्षी झगड़ों और परेशानियों को बर्दाश्त नहीं करते। सारस विस्मय की भावना पैदा करते हैं, बिना कारण के नहीं। लगभग सभी संकेत उनकी देखभाल करने की सलाह देते हैं। उन्हें डराते नहीं है बल्कि उनकी उपस्थिति में आनंदित होते हैं। उन्हें सुनना या सुनाना सभी के लिए एक व्यक्तिगत मामला है। इस प्रजाति का गढ़ भारत में है जहाँ ये पारंपरिक रूप से पूजनीय है और मनुष्यों के साथ निकटता से कृषि भूमि में रहता है। सारस क्रेन प्राचीन काल से ही अपनी अत्यधिक निष्ठा और नाटकीय नृत्य अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। भारत के पड़ोसी देशों में जहां सारस क्रेन गायब हो गए हैं, वहीं भारत में ये जीव स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की अर्धभूमि में। सारस क्रेन उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी भी है क्योंकि भारत में सारस क्रेन की 70% आबादी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है तथा रामपुर में भी ये पक्षी आसानी से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि बढ़ती हुई कृषि तीव्रता सारस क्रेन की संख्या में गिरावट का एक मुख्य कारण है, लेकिन वे आर्द्रभूमि फसलों और नहरों और जलाशयों के निर्माण से लाभान्वित होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश लगभग 23 करोड़ लोगों का घर है जहां खेती भारी मात्रा में होती है, लेकिन ये फिर भी सारस क्रेन के लिए एक आदर्श निवास स्थान है। कई सहायक नदियों के साथ गंगा नदी उत्तर प्रदेश की पूरी भौगोलिक सीमा से गुजरती है और इलाके को प्राकृतिक रूप से अच्छी तरह से सिंचित करती है। ये जलमार्ग लगातार आर्द्रभूमि को ताजा और संरक्षित करते हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों ने जहां जलीय पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों को जन्म दिया है, विशेष रूप से सारस क्रेन को, क्योंकि उनके लिए यहां भोजन प्रजनन आदि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्योंकि सारस क्रेन को जीवन के लिए संबंध और जोड़े बनाने की आदत है, इसलिए यह स्नेह प्रेम और प्रजनन क्षमता का प्रतीक बन गया और इसके कारण इसे उत्तर प्रदेश में संरक्षित किया जा रहा है। 2018 में किए गए एक सर्वेक्षण में वन विभाग को यहां लगभग 16,000 से अधिक सारस क्रेन मिले थे। उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सारस क्रेन की संख्या में वृद्धि भी दर्ज की गई। 2013 के बाद से उत्तर प्रदेश में इसकी आबादी लगातार बढ़ी है क्योंकि आर्द्रभूमि पनप रही है और किसान तथा मछुआरे इनके घोंसले का पोषण कर रहे हैं। राज्य के वन और वन्य जीव विभाग की 2018 की गणना के अनुसार सारस क्रेन की संख्या 15,938 तक पहुंची, जबकि 2017 में यह आबादी 15,138 थी। यह आंकड़ा संरक्षण के प्रयासों के कारण लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन को प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लाल सूची में असुरक्षित जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मानव गतिविधियों के साथ निवास स्थान की हानि, जंगली कुत्तों, नेवलों और सांपों का प्रहार इस पक्षी के लिए प्रमुख खतरों में गिने जाते हैं। अस्वास्थ्यकर आर्द्रभूमि और अनेक अवैध रूपांतरण, बिजली की लाइनों की टक्कर, औद्योगिक और कृषि रसायनों की विषाक्तता आदि सारस क्रेन के लिए प्रमुख खतरे हैं। सारस क्रेन भोजन के लिए हानिकारक कीटों पर निर्भर है जिससे कीटों को नियंत्रित किया जाता है। हानिकारक कीटों की आबादी को नियंत्रित करके जहां वे पारिस्थितिक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व भी रखते हैं। जीवन में एक बार प्रेम करते हैं सारस, आरिफ के दोस्त की कहानी दिल को छू लेगी भाई। दोस्तों, अमेठी के आरिफ की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। वही आरिफ जिन्हें एक सारस घायल अवस्था मिला था, उन्होंने उसका इलाज किया और सोचा कि ठीक होने के बाद वो उठ जाएगा, लेकिन वो जंगली पक्षी उनके साथ रहने लगा। वो अपनी थाली में सारस को खाना खिलाते गांव और प्रदेश में बात फैल गई। जल्दी ही मीडिया में उनकी तस्वीरें आने लगी और वन विभाग ने मुकदमा दर्ज कर दिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सारस की जान बचाने वाले पर FIR का विरोध किया। विपक्ष ने सवाल उठाया कि मोदी जी तो घर में मोर पालते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल सारस कानपुर चिड़ियाघर में है, उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या सारस से दोस्ती की जा सकती है? सारस आखिर कैसे होते हैं? भारत में कुछ जानवरों को पालने पर पाबंदी है। यही वजह है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ये कानून जानवरों पर अत्याचार रोकने के लिए बना था। उन्हें 4 अप्रैल को वन विभाग ने तलब किया है। आइए जानते हैं सारस पक्षी के बारे में। लंबी टांगों वाला ये विशाल पक्षी देखने में किसी को भी मोहित कर लेता है। चोंच के पीछे रंगीन गर्दन हो या पंख फैलाए विशाल शरीर, जिस जल्दी पहचान
जाता है। सारस का वजन 9 से 10 किलो होता है। ये अक्सर जोड़े या झुंड में देखे जाते हैं। ये भारत, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये दलदली इलाकों, घास के मैदानों और खेतों में मिलते हैं। तालाब या झील के आसपास का इलाका इनको पसंद होता है। आरएफ के साथ सारस को देख लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक पक्षी इंसान से इतनी गहरी दोस्ती कैसे कर सकता है। दरअसल ये पक्षी स्वभाव से बहुत भावुक होता है। ये सबसे बड़ी पक्षी भावनाओं को महसूस करता है। ये इंसान की ऊंचाई के बराबर 6 फीट के भी हो सकते हैं। कम लोगों को पता होगा कि सारस जमीन पर घोंसला बनाते हैं। सारस को अपने देश के कई इलाकों में पूजा जाता है। इन्हें प्रेम का प्रतीक समझा जाता है। जी हाँ, इसकी प्रेम कहानी काफी दिलचस्प है। दरअसल सारस का बच्चा जब साल भर का हो जाता है तो माता पिता उसे छोड़ देते हैं। वो सारसों के झुंड में चला जाता है। पंख फैलाकर घूमना और आवाज निकालना उनकी आदत हो जाती है। मादा सारस को नर रिझाता है। ये बेवफाई नहीं करते। एक बार जोड़ा बन जाए यानी मादा राजी हो जाए तो ये जीवन भर उसी के साथ रहते हैं। यही वजह है कि सारस अक्सर जोड़े में देखे जाते हैं। ये झुंड से अलग हो जाते हैं और अपना आशियाना बनाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।